भाई साहब इतना मूड खराब हो मेरा, मतलब यार क्या कर सकते हैं। तो भाई मैंने क्या काम करा, तोड़ा। देखिए देखो गाइस, तो भाई साहब यहाँ पर आज हम ब्लॉग थोड़ा अलग स्टाइल बनाएंगे, थोड़ा हर बाइक की तरह यूनिक होगा हमारा ब्लॉग। तो वैसे आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, काफी खुशी की बात है लोगों के लिए, आपके लिए, सब्सक्राइब के लिए, व्यूअर के लिए, हमारी एक साइकिल कम्प्लीट हो गई है। उसके लिए हमें बैटरी की आवश्यकता है। तो गाइस आज इस व्लॉग में भाई मैं बैटरी बनाने वाला हूँ व्लॉगिंग स्टाइल में, नो टेक्निकल, नो एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं। किस किस कंपोनेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, आज मैं इस व्लॉग में बैटरी कंप्लीट कर लूंगा डेफिनेटली। चलो गाइस फटाफट शुरू करते हैं। तो भाई साहब सामान में लेकर आते हैं, ये रही भाई साहब बैटरी, अभी और लेकर आता हूँ। ये रही कुछ बैटरी। अब गाइस इन दोनों में फर्क आखिर क्या है, देखिए भाई बहुत सिंपल है। ये बिल्कुल ओके, बिल्कुल मलाई निकाले भाई साहब मैंने, ये भी ओके है, लेकिन मैं काफी प्रॉब्लम है। देखिए ये हीट होती है, चार्ज होते होते इनमें देखिए क्या दिक्कत है। इसमें ब्लू और रेड दोनों एलईडी साथ चलते हैं मॉड्यूल के, जब ये चार्ज होती है तो इसमें दिक्कत है। इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, लेकिन गाइस ये ओके है, बढ़िया काम करेगी अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने हो। लेकिन गाइस इलेक्ट्रिक साइकिल में हमें मलाई चाहिए, तो भाई साहब ये सारे बिल्कुल ओके फिट एंड फाइन बैटरी है। एक बात हो, ये सारे चार्ज है कैसे, तो देखिए ये हमारा एक चार्जर है, 6-in-1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो भाई यहाँ पे मैंने 6-6 मॉड्यूल लगाकर भाई तो 6-6 बैटरी एक साथ रिचार्ज की है। तो भाई रिचार्ज करने से पता लग जाता है कि बैटरी ठीक है नहीं है। देखिए ये ठंडी है, यानी कि अच्छे से चार्ज हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया चार्ज हो रही है, मलाई है बिल्कुल। अगर हीट होती चार्ज होती तो भाई मैं इसे हटा देता यहाँ से। एक बात और, किसी किसी बैटरी में ये रेड और ब्लू एलईडी दोनों चलती है, तो भाई वो मैं निकाल देता हूँ, है ना, वो बाद में दिक्कत करती है। भाई ये बिल्कुल मलाई है, तो भाई साहब इसी तरीके से ये सब मलाई है, बिल्कुल कम्प्लीट है। तो भाई हम इसका यूज करने वाले हैं, इन्हें फिलहाल हम वापस डाल करेंगे। हाँ दौड़ भरी जिंदगी। अब ये मुझे नहीं पता गाइस कितनी बैटरी है, मोटा मोटा है, गिन लेंगे। मुझे पता है इतनी बैटरी भेज सके कि भाई हमारा काम हो जाएगा। हमें चाहिए गाइस 49 बैटरी, 4, 4 6, 10, 10 5, 15, 15 5, 20, 20 5, 25, 25 5, 30, 30 5, 40, 40 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5, 50, 50 5,
बैटरी को चेक करूंगा एक करके कि भाई सारे ठीक है या नहीं है। वरना गाइस हम ठीक नहीं रहेंगे, बहुत मेहनत लगी है दोस्त। अगर अभी भी इसमें कोई बैटरी डिस्चार्ज हुई तो भाई मैं उसे अलग रख दूंगा, ठीक है। और गाइस वो तीन बैटरी भी रिचार्ज हो रही है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ऐसा 49 बैटरी मस्त बिल्कुल धांसू। बस भाई ये बैटरी हमारी 3.92 वोल्टेज की है, 4 वोल्ट थोड़ा सा कम है, तो इस समय सिर्फ 49 बैटरी चाहिए। तो भाई हमारा काम तो डन हो गया, ठीक है। इसे मैं रखता हूँ इधर को, जा जी ले अपनी जिंदगी। फटाफट लाते हैं दूसरा सामान। तो भैया अब मैं चाहिए ये हर 650 बैटरी होल्डर। कुछ गिर गए, होल्डर होल्डिंग तो बाद में करेंगे, पहले इन्हें थोड़ा सा सेटअप बैटअप में ला देते हैं, एक लाइन में ला देते हैं जिसमें थोड़ी सी तमीज सी लगे, है ना। चलो जी सबके दिन जाएंगे, सबके दिन आएंगे, ठीक है आ जाओ रे। देखिए ये रहा कुछ माल पानी, मैंने वैसे कुछ जोड़ते बड़ी मुश्किल से, लेकिन गाइस इसने जोड़ना यार बड़ा टेढ़े किया था भाई साहब, लग रहा आपके हलवा है। अरे हलवा खाना बंद कर दिया, मिलता भी नहीं यार आजकल में, तो है ना। भाई मैं तो बतेरा सर्च कर रहा हूँ गूगल पे की भंडारा कहाँ हो रहा है, आजकल भंडारा भी नहीं हो रहा। गाइस अगर आपके यहाँ भंडारा रहो तो यार कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट बॉक्स इसलिए तो है कि भाई भंडारा किधर हो रहा है, एक दूसरे को आदान प्रदान जानकारी करो तुम। तो भैया इन्हें कुछ ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे देखो देखो यहाँ तक तो जुड़ जाती है, टूट गई, टूट बड़ी जल्दी जाती है, देखे टूट गई। तो भैया इस तरह से लग जाते हैं, देख रहे हो पर दिक्कत आती किधर से यार। पहले मैं अबे आ जा, अबे देखिए आ गया। चलो आपको समझ ऐसे भाई तू सारे लगा दे, कोई दिक्कत थोड़ी है, तू जुगाड़ो आदमी है, इस चीज का भी जुगाड़ निकाल ही लेगा, पता नहीं भाई साहब देखते हैं। वैसे वो तो जाना चाहिए जब कंपनी ने बनाए हैं, कुछ ना कुछ सोच के तो बनाए होंगे। तो भाई साहब मुझे लगता है आज की जो वीडियो है वो काफी लंबी बैठ जाएगी। चलो यहाँ बैठते हैं, देखिए अब मैं इसे यहाँ लगाता हूँ, जो कि भाई साहब काफी हलवा है, मतलब आपको लग रहा होगा वीडियो में देख के, लेकिन नहीं है। लग जा यार, देखो ना ये जो दिक्कत है ना इसमें आती नहीं है भाई साहब, और ये दस आ नहीं सकता क्योंकि भाई ये ब्रैकेट बंद है यहाँ से। तो भैया अगर ये आ जाए यहाँ को मेरा भाग सुधर जाए, आपको हलवा पूरी खिलाऊंगा भंडारी रतना। देखो आ तो गया, अब मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ से, 1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ ये भाई इसके अंदर आएगा ही नहीं, जब इसके अंदर आसनी से नारा ससुरा ये तो इसके अंदर घंटा आएगा यार। तो भाई साहब इसके लिए मेरे पास ऐसा जुगाड़ है जो सबका हल है। तो भाई ये रहे हथौड़े, भाई से तो बहुत मतलब चूरन बना दे, अगर आपको प्लास्टिक का चूरन बनाना हो तो इसका यूज कर सकते हो, है ना। ये भी थोड़ा भी जाएगा, ये मस्त है जो बात है। हथौड़े से आगे गाँव में भाई साहब पक्का। हाँ भाई से ऐसा रखो ही ना, और हल्की हल्की कितनी मोहब्बत से चला गया। लातों को भूत बात उससे नहीं मानते, मेरी तरफ क्यों देख रहे थे, मैं तो कहावत बता रहा हूँ, मैं बहुत थोड़ी हूँ या लातों से मानने वाला थोड़ी हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ यार। आज जरा सा कैमरा के घुमा दे अपनी तरफ, तुम सोचने लगे यार मैं भूत। तो भैया फटाफट में इन्हें इस तरीके से बस इन्हें ऊपर रख लो, है ना। और भैया बस
अब भाई एक फायदा हो रहा है भाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, मतलब ये फायदा नहीं है नुकसान है। तो भाई साहब इसका एक फायदा और है कि ऐसे ससुरे टूटते भी नहीं है, पूरे हलवा पूरी खा खाए भंडारे में, मतलब टूटते भी नहीं है जो बात है। तो भाई मैंने इसी तरीके से ये पूरा जोड़ दिया था। टेन टेन वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भाई फटाफट में जोड़ता हूँ वरना गाइस व्लॉग हमारा चांद तक पहुंचेगा, इतना लंबा पहुंच जाएगा। तो मैं पहले फटाफट बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये कर लिए हैं और इन्हें रखते हैं फिलहाल अभी डब्बे में। तो भाई साहब इन्हें जोड़ना काफी मुश्किल है, लेकिन हथौड़ा है ना तो भाई इन्हें ऐसे जोड़ना पड़ेगा सारों को। तो देखिए आराम से हो गए, देखो यार इसी तरीके से सारे हो जाएंगे, थोड़ा सा इनमें जो ना बैंड आ जाता है हल्का सा, देखिए कार हो गया ना, लेकिन सारे कर देता हूँ। Ups and downs, just like every... तो यार ये लग तो गया है, प्रॉब्लम है कि भाई चार जो सेल है इन पर मैंने हीटिंग चढ़ा रखी है अपने हाथों से। अब यार क्या कर सका है भाई, या तो मुझे यहाँ से नंगा करना पड़ेगा। यार मेरे एक जुगाड़ समझ में आ रहा है भाई, ये बैटरी ठीक है, इन्हें फेंक तो नहीं सकते। तो मेरे पास ये बैटरी है कुछ, मैं चाह रहा हूँ इनका कवर निकाल के इस पर लगा दूं, है ना। देखिए ये बिल्कुल भाई मस्त बैटरी है, देखते हैं भैया होता नहीं होता भाई, ऐसा भी चल जाएगा अगर ऐसे भी जाए ना। नहीं हो रहा, अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई साहब। तो देखिए क्या मस्त बैटरी है ये भाई, बढ़िया बिल्कुल, और इसे काट देंगे, इतनी मोटी है यार। देखिए भाई साहब गेंडे की चमड़ी है जो बात है। देखिए तो भाई भेड़िया की खाल में लूलू। देखिए भाई साहब ये हो गई बैटरी डन आर डन, कोई कह देगा आपके अलावा, आपने देख लिया ना। ये भैया उल्टी लगा दी मैंने, ऐसे लग जाएगी। ये बैटरी निकालते हैं, मैं निकल जा क्योंकि भाई इस पर जो डेंट पड़ा हुआ है, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, मैंने चेक कर लिया था ये भाई ओरिजिनल LG की बैटरी है। चलो देखते हैं अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं है। तो भाई इस तरीके से मैं निकल लेता हूँ। तो भाई ये रही, यहाँ से ऐसी चल जाएगी, यहाँ से दिक्कत होती है, यहाँ से बिल्कुल डन है। कुछ टूटा है हल्का फुल्का, लेकिन ये कहीं नहीं जाने वाला है ना। अब जाके भाई मस्त बैठी है जो बात है, सारी बैठी ऊपर आनी है, ये टेढ़ी बैठी है भाई पर जो बात है भाई, मस्त हो गया जो है ना मजा। यार इसका वेट देखते हैं कितना वेट, और इस तरह जो है कितना वेट है पता ही नहीं। तो भैया आपका सामने लाइव 2 किलो 243 ग्राम, 2 किलो 243 यानी कि अप्रोक्स 2.25 किलो मान के चलते हैं इसका वेट। A few moments later. तो गाइस देखिए बैटरी पैक बन चुका है। देखिए भाई एक बहुत बड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई, आपने कहा स्टार्टिंग में देखा जब मैं इन बैटरी को इन ब्लॉक्स के अंदर लगा रहा था ना, तो भाई मैंने ऐसी भर दी उल्टी सीधे। तो भाई साहब ये जो देख सकते हो ये सारे प्लस प्लस के जो एक तरफ, ये भाई उल्टी सीधे हो गए, यहाँ दो जगह प्लस आ रहा था, यहाँ बीच में माइनस आ रहा था। भाई साहब इतना मूड खराब हो मेरा, मतलब यार क्या कर सकते हैं। तो भाई मैंने क्या काम करा, तोड़ा। देखिए ये देखो गाइस, ये भाई ये मैंने उखाड़ा ऊपर का जो है ना, ये तोड़ना पड़ा जो गाइस ये निकला है नहीं। तो भाई देखिए कितने सारे ये टूट गए होल्डर, तो भाई ये हो गए बेकार, और ये सारे टूटे हुए हैं ना, देखिए सारे टूटे हुए हैं। कम से कम गए 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे सारे निकाले, मतलब पहले मैंने सारे में वायरिंग कर दी थी, बाद में मुझे पता लगा यार, फिर सारी वायरिंग हटाई, फिर दोबारा से भाई ये लगाई, फिर वायरिंग लगाई, देख सकते हो गाइस मेहनत तो लगी है लेकिन यार सफल होगी मेहनत जो बात है। अभी इसमें BMS लगना बाकी है, तो भाई ये रहा छोटा सा BMS, इसको लगाता हूं लेट है। तो गाइस फाइनली कनेक्शन हो गए, बहुत इजी कनेक्शन है, इस पर सब कुछ लिखा है, देखिए बस ये नेगेटिव आर इस पर जाएगा, पता नहीं भाई इसके अंदर क्यों नहीं दिया। और भाई ये हो चुका कबाड़ा, यार मैंने सोचा था कुछ और मुझे और मंगाने पड़ेंगे, आगे वीडियो पता लग जाएगी मैंने इतने सारे क्यों मंगाए। और भाई मैं आपको इसके वोल्टेज दिखाता हूँ, भाई ये रहा इस पर नेगेटिव, ठीक है ये लगा नेगेटिव, और भाई इस पर लगेगा एक पॉजिटिव, 28.8 वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, ठीक है कनेक्शन बहुत इजी है। तो भाई जिसको बैटरी बनाने नहीं आती या जिसका नहीं पता, तो भाई ये वाली वीडियो देख सकता है मैं जाके, इलेक्ट्रिक साइकिल 24 वोल्ट बैटरी, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम यही है, बस जो बैटरी होल्डर है वो इसमें नहीं लगाएंगे, बाकी सब वही प्रोसेस है। ये रहा भाई इसका चार्जर जो कि मुझे मोटर के साथ ही मिला था, तो निकलेगा। तो भाई ये है चार्जर, लिखा भी है इस पे, मुझे बोलने की तो जरूरत ही ना है, 24 वोल्ट 12 एम्पियर आर का। चार्ज करके देख लेते हैं। और भैया ये मुझे तो सॉकेट मिला था लक्सस के साथ ही, किट के साथ ही मिलेगा आपको। तो भाई फाइनली मैंने लगा दिया है, चार्जर में भी इंडिकेट जल रहा है, LED जल रही है, ठीक है। वैसे तो भाई ये चार्ज है, फिर भी देखते हैं लाल लाइट जलती है, जलती है नहीं जली, ठीक है यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन लाइट ही ग्लो हो रही है। आखिर इस प्रॉब्लम की वजह क्या है, देखते हैं ये वोल्टेज कितने फेंक रहा है। 27.9 वोल्टेज दे रहा है,
गलत दे रहा है यार ये 29.4 के करीब या 6 करीब देना चाहिए। वेयर इज माय मोबाइल मैन पड़ा आदमी। तो गाइस कैलकुलेट कैसे करते हैं देखिए 4.2 पर एक बैटरी गुणा 7 29.4 वोल्टेज इसे चार्जर को आउटपुट देने चाहिए थे। तो भैया हो सकता है मैं अंदर प्रीसेट हूं मुझे सेट करने पड़े। अगर ये 29.4 वोल्टेज देता तो गाइस हमारी बैटरी भी और थोड़ी सी रिचार्ज होती 28.8 या 7 तो हमारी बैटरी भी फिलहाल चार्ज अप्रोक्स फुल ही चार्ज मानी जाएगी। ठीक है तो भाई साहब बहुत मेहनत लगी और भाई मैंने आपको दिखा दी हर चीज मैंने बिल्कुल आपको बताया है। ये बैटरी बना के नहीं दिखाया है लेकिन दिखा दिया है कि हाँ भी ये मैंने बना लिया है। तो भाई साहब अब जल्दी बस आने वाली है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और गाइस जरूर बताएं आपकी व्लॉग कैसा लगा।